हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप दोस्तों कि आप अच्छे हो और सब कुछ बढ़िया कर पा रहे हो। दोस्तों आज के स्टूडियो में आ चुके हैं क्लास 10 के डायग्राम में, जहां पे मैं आज आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे आप आसानी से इजीली इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट बना सकते हो। और इसे बनाने के बाद दोस्तों अंत में हम लोग इसे लेबलिंग भी करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना और अच्छे से सीखना ताकि आप एग्जाम में इसे बना सको। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बगल वाले बेल आइकन को जरूर से जरूर क्लिक कर लेना, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि 5 लाख फैमिली अचीव करें। तो चलिए दोस्तों हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। ऑलराइट माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले दोस्तों हम लोग अपने स्केल को यहाँ पे प्लेस करके इस तरह से 6 सेंटीमीटर का लाइन दोनों तरफ ड्रॉ करेंगे। और इसके बाद दोस्तों हम लोग अपने स्केल को इस तरह से रखेंगे एंड देन आफ्टर अगेन हम लोग यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करेंगे। और इसका डिफरेंस कितना होगा चलिए ये भी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। सिंपली दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका 1.1 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। तो आप चाहे तो इसे मेज़र करके 1 सेंटीमीटर में भी रख कर इसे बना सकते हो। इसके बाद अगेन मैं दूसरे साइड भी सेम इसी तरह से 1.1 सेंटीमीटर के डिफरेंस में यहाँ पे अगेन 6 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हो। ये बहुत ज़्यादा इजी है दोस्तों। अगर आपके पास ये स्किल नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास जो भी स्किल है ओके उसे यूज़ करें, इसी तरह से प्लेस करके इसे बनाएं। इससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे ऊपर में इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे, देन आफ्टर हम लोग नीचे भी इसी तरह से इसे बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। और अगर आप चाहो तो इसे 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस भी रख सकते हो। इससे क्या होगा आपको जल्दी याद हो जाएगा और आपको ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी। इस तरह से दोस्तों इसे बनाने के बाद आप हम लोग अपने स्केल को इस तरह से यहाँ पर प्लेस करेंगे और 0.5 सेंटीमीटर से थोड़ा सा नीचे यानी 1.7 सेंटीमीटर के पास इसे हम लोग इस तरह से यहाँ पे मार्क कर लेंगे। इसलिए मैं मार्क कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं फिर से इसी स्केल को यूज़ करके, जी हाँ दोस्तों, इस तरह से इसे प्लेस करके मैं 1.7 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हो। इसी तरह से दोस्तों हम लोग इसे और बढ़ाकर बना लेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो दोस्तों मैं यहाँ पे जो उसका डिफरेंस है यानी जो 0.1 0.2 इस तरह से बना हुआ है उसी को यूज़ करके यहाँ पे अगेन मैंने बनाया हुआ। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखा रहा हूँ कि कहाँ पे मैंने इसे प्लेस किया हुआ और मैं इसे कैसे बना रहा हूँ। ये आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और साथ में समझना भी। तो इसीलिए दोस्तों इसे अच्छी तरह से देखें और मेरे साथ अभी के अभी इसे स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करें। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो थोड़ा सा फास्ट है तो आप इसे YouTube के सेटिंग से स्लो करके देख सकते हो। इस तरह से दोस्तों हम लोग यहाँ पे रखेंगे इसे और सिंपली इस तरह से 7 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करके इसे कंप्लीट कर लेंगे। अब दोस्तों हम लोग अपने स्केल को यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और आपको जो दिख रहा है, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ करने वाला है। ये हो सकता है दोस्तों 7 सेंटीमीटर से कम हो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इसे थोड़ा सा छोटा बनाएंगे, इसलिए क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे दोनों को फोल्ड करते हुए इसे मिलाना है। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे 2 लाइन ड्रॉ कर लेंगे और अगेन मैं उसी के डिफरेंस को यूज़ कर रहा हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हो, जो हमारे स्केल में दिया हुआ रहता है। तो इसी तरह से मैं यहाँ पर इसे रख रहा हूँ और इसे बना रहा हूँ। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर फोल्ड करके इसे मिला देंगे। मिलाने के बाद दोस्तों हम लोग इसे कम्प्लीट करके इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसके ऊपर में जो बैटरीज होती है और जो कनेक्शन होता है, की लगा हुआ होता है, उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे सिंपली इस तरह से रख कर इसे फिनिश कर लेते हैं। सो ये हमारा दोस्तों अब टैंक कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे इम्प्योरिटीज बनाने वाला है। तो इसे बनाने के लिए सिंपली हम लोगों को यहाँ पे इस तरह से बनाकर मिला देना। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे कैथोड और एनोड को बनाने वाला है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसे बनाकर दोस्तों हम लोग इसे छोड़ देंगे। अगर दूसरे साइड भी सेम हम लोगों को इसी तरह से इसे बना लेना और मैं यहाँ पे 2 सेंटीमीटर ले रहा हूँ। आपको ये ध्यान में रखना है दोस्तों कि आप 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर को अभी तक यूज़ किए हुए हैं और साथ साथ में 6 और 7 सेंटीमीटर को। तो इस तरह से दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे छोटा सा गैप बनाकर छोड़ देंगे एंड देन आफ्टर यहाँ पे इसे कंटिन्यू कर यहाँ पे अगेन हम लोग थोड़ा सा छोड़ देंगे, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे सेल्स बनाना है। जी हाँ दोस्तों, इसे बनाने के लिए सिंपली हम लोग थोड़ा सा स्पेस रखेंगे। अब हम लोग यहाँ पे इसे कंप्लीट करने वाला है दोस्तों। सिंपली आपको यहाँ पे इस तरह से पहले की बनाने के लिए आपको थोड़ा सा डार्क कर देना एंड देन आफ्टर आपको यहाँ पे एक छोटा सा इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देना। सो ये हमारा की कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं सेल्स। इसे बनाने के सिंपली हम लोग अपने स्केल को इस तरह से यूज़ करेंगे और यहाँ पे दोस्तों मैं सबसे पहले 0.5 सेंटीमीटर ले रहा हूँ नेगेटिव टर्मिनल को बनाने के लिए। उसके बाद दोस्तों हम लोग बड़े वाले को 1 सेंटीमीटर लेकर बना लेंगे। इसके बाद दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे प्लस माइनस भी लिख देंगे
एंड देन आफ्टर ये हमारा जो की है उसे भी हम लोग यहाँ पे लेवल कर देंगे। अगर आप चाहो तो अभी कर सकते हो, वरना बाद में भी कर सकते हो मेरे साथ जब मैं आपको पूछूंगा। तो इसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे खेलने वाला एक छोटा सा गेम, जहाँ पे मैं आपसे नाम पूछूंगा और आपको यहाँ पे बताना होगा। इससे क्या होगा, आपका रिविजन भी हो जाएगा, साथ साथ में आपने जो प्रैक्टिस किया हुआ उससे भी आपको लर्न हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसे भी हम लोग फिनिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एरोज और साइंस ड्रॉ कर लेंगे जो भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरह से हम लोग इसे कंप्लीट करके लेवलिंग वाले पार्ट में मिलते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो अभी आप देख रहे हो कैथोड और एनोड, इसके बीच में एसिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है, जिसे अगर हम लोग चाहे तो अभी बनाकर दिखा सकते हैं। आपके बुक में ये नहीं दिया हुआ, तो आप चाहो तो इसे अभी बनाओ या आप यहाँ पे सिंपली पानी की तरह बनाकर भी इसे कंप्लीट कर सकते हो। दोस्तों अगर आप यहाँ पे सिंपली इसे बनाकर लेबल भी कर देते हो इतना तक, तो आपको यहाँ पे मार्क्स मिल जाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि वो छूट रहा है तो हम लोगों को बना लेना चाहिए, और अगर आपके पास टाइम होता है एग्जाम में तो उससे आपको सिंपली कैसे बनाना, चलिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पे जो टैंक दिख रहा है उसी के बीच में, जी हाँ दोस्तों उसी के बीच में आपको थोड़ा सा पानी की तरह बना देना। उससे बनाने के लिए सिंपली आपको डॉट डॉट स्ट्रक्चर बनाते जाना, एंड देन आफ्टर आपको कंप्लीट कर देना सबसे ऊपर वाले सतह पर जो कुछ आपको टैंक में दिख रहा है। तो उतना बनाने के बाद दोस्तों आपको ये सब लिख देना, देन आफ्टर आपको यहाँ पे एरोज ड्रॉ कर लेना अच्छे से। अब हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं लेबलिंग। तो चलिए दोस्तों हम लोग बिना देरी के हुए इस लेबलिंग को स्टार्ट करते हैं। साथ साथ में दोस्तों आपको यहाँ पे मेरे से पहले नाम बताना, तो ये बात याद रखिए और अच्छे से खेलिए। सो नाउ इट्स ऑलमोस्ट कम्प्लीटेड दोस्तों, इसके बाद हम लोग यहाँ पे एरोज ड्रॉ कर लेंगे क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे नेम्स लेबलिंग करना। सो लेट्स प्ले द गेम। सबसे पहले दोस्तों नाम बताइए जल्दी से क्या होगा। सो दिस वन इज की, कुंजी बोला जाता है इसे हिंदी में। इसके बाद दोस्तों जल्दी से बताओ, सो दिस वन इज एनोड। इसके बाद दोस्तों इसके नीचे क्या होगा जो मैंने आपको बोला था, जल्दी से बताइए। सो दिस वन इज एसिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इसके बाद दोस्तों इसके नीचे क्या होगा, सो दिस वन इज टैंक। एंड देन आफ्टर दोस्तों जो इम्प्योरिटीज है उसे क्या बोलते हैं, सो दिस वन इज इम्प्योरिटीज, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो इसके बाद दोस्तों आपको लास्ट वन बताना, सो दिस वन इज कैथोड। आई होप दोस्तों आपने सारे नाम सही से बताए होंगे। साथ साथ में दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, देन जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। आई होप दोस्तों जो मैंने यहाँ पे आपको टेक्निक दिखाया और सिखाया इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा, देन जल्दी से जल्दी अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसे सीखकर एग्जाम में बना सके। साथ साथ में दोस्तों मुझे कमेंट करके आप नीचे बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो आप कौन सा देखना चाहते हो। और अगर आप ऐसा ढेर सारे वीडियोस देखना चाहते हो, चाहते हैं कि हम लोग 500,000 फैमिली अचीव कर ले, देन जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकन को जरूर से जरूर क्लिक कर लेना ताकि आपको ऐसा ढेर सारे वीडियोस मैं देते रहूं। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप देखते रहे हमारे वीडियोस को और सीखते रहे। ओके, गुड लक, हैव अ ग्रेट डे।